एक जगह पड़ती है बागेश्वर जिले में, दो गांव है, एक गांव का नाम है छाना और दूसरे गांव का नाम है बिलौरी। तो जब मैंने गाना सुना तो इसके बारे में पता करना चाहा कि ऐसा क्यों था, वो लड़की बहाने क्यों बना रही है। तो उनको जो हल्का फुल्का पता लगा कि शायद उस लड़की के वो मतलब सिर्फ पापा थे, मम्मी नहीं थी। अब वो बहाना इसलिए बना रही है अपने पिताजी से क्योंकि वो जाना नहीं चाह रही कि अगर मैं चले जाऊंगी तो बाजू का ख्याल कौन रखेगा। और यह आप सबको गुनगुनाने मेरे साथ गुनगुनाएंगे। हाथ है दातुली, हाथ है जाली, हाथ है दातुली, हाथ है जाली, लगला बिलौरी का धाम, लगला बिलौरी का धाम। अब एक बारी आप लोग गुनगुनाएंगे मेरे साथ। झंडिया बाजू एनर्जी इतनी कम क्यों दिखाई दे रही है? मेरे तक आवाज नहीं आ रही आप लोग की अच्छे से। फूला जैसी मेरी खड़ी, फूला जैसी मेरी मुखड़ी, चेली तुम्हारी मैं भली भली, चेली तुम्हारी मैं भली भली। झंडिया बाजू छाना बिलौरी, लगला बिलौरी का धाम, लगला बिलौरी का धाम। ऐसा भी कहा जाता है, बस कोई ऑफेंड मत होना, इस गाने में एक लाइन और है, कहते हैं कि छाना बिलौरी में ठाकुरों का गांव है, वहां रौतेला लोग रहते हैं, तो पहले लड़ाके हुआ करते थे, तो वो ऐसे भी बहाने बना लिए। बिलौरी का मावा घाम ली जागा, बिलौरी का मावा घाम ली जागा, लगला बिलौरी का धामा, लगला बिलौरी का का घामा, लगला।